रुक रुको दोस्तों, आज पहले चैलेंज ले लिया भैया ने, अबे भैया ने, और ये दिखा दिया 120 केजी का। पहले मैंने दिखाया था 118 किलो का हार्ली क्यून, आज भैया ने कहते मेरे पास तो 120 किलो का है, और भैया ने ये ले लिया है चैलेंज। भैया ये कहाँ से आया भैया? ये फ्रांस इंपोर्ट है। अच्छा, केनल से। कहाँ से? बेंजामिन केनल से, फ्रांस से। और सबसे बड़ी बात है, भैया कह रहे थे इसका किराया कितना लगा था आपका? इसका मैं खाली ट्रांसपोर्टेशन 6 लाख रुपए भरा था। 6 लाख रुपए? तो भैया इसका देखिए फेस साइज, टांगों का साइज, भाई साहब बीस्ट है ये, बीस्ट। मतलब ये खड़ा हो जाएगा ना, 7 फुट का हो जाएगा ऐसा है मतलब। तो भैया ये खाने में क्या खाता है यार? इसको 2 किलो का डेली बर्ड मीट और 1 किलो का रेड मीट चाहिए। अच्छा, ये 2 किलो चिकन ही खा जाता है? चिकन का। तो ये कितने टाइम खाता है, 2 बार या 1 बार? तो एक्सरसाइज क्या करवाते हैं इसको? एक्सरसाइज इसको खाली सुबह 1-2 किलोमीटर का वॉकिंग होता है और शाम को 2 किलोमीटर का वॉकिंग होता है बस। और ये दोस्तों कितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये वीडियो, मतलब ये आप समझ सकते हो, ये मैंने वैसे बेंच के ऊपर रखा हुआ है, ये कम से कम भी खड़ा हो जाए ना, मैं भैया के साथ खड़ा करूँगा इनको प्यार करने के लिए। वैसे कोई हिम्मत नहीं करेगा, पर ये है इंडिया का सबसे बड़ा अभी तक स्कूबर्स की तरफ से डॉग देखा गया, 120 किलो का। मतलब 118 किलो का इतना ह्यूज था, ये तो 120 किलो का। भैया इसकी एज कितनी है? अभी ये 4 साल का है। 6 साल 4 साल का। तो भैया इसका प्रोड्यूस वगैरह भी आ रहा है अपने तरफ? इसका भी आपको फीमेल दिखाया ना 90 केजी, वो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, अभी दिखाया ना आपको। हाँ, वो इसका डॉटर है। अच्छा, और आपने व्हाइट कलर का जो मेल दिखा ना, इसका बच्चा है। तो भैया इसकी कोई और प्रॉब्लम जो इतना वेट है इसका? इसका बेड सोर आ जाता है। अच्छा, ये आ जाता है, ये इसके गांठे बन जाती है, बेड सोर हो जाता है। अच्छा, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं है, मतलब की चलने चुलने में सारा कुछ बढ़िया फैंटास्टिक है, बाकी आप देख सकते हो। तो एक्स्ट्रा कोई कैल्शियम वगैरह इसको नहीं? ग्लाइकोपेक्स तो देना पड़ता है। अच्छा, ग्लाइकोपेक्स साल भर चलता रहता है। तो इसका कोई बच्चा आया इतना हैवी अभी तक? इसका बच्चा है आपके, अभी वेट देखे ना इसका, वो 80 किलो तक था अभी। अभी वो 90 केजी का है और 1.5 साल का है अभी, और 1 साल हो गया, तो वो भी 1.5 इससे भी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलो भैया इसको भगा के बताओ आप कैसे भागता है। दोस्तों नीचे कमेंट जरूर करना कि 120 किलो का बीस्ट आपको कैसा लगा। भाई साहब ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ डॉग नहीं है, आपने कोई और ही जानवर पाला हुआ है। और ये देख लीजिए, ये तो कैमरे में भी दूर से ही कवर होगा, बिल्कुल पास से मैं कवर नहीं कर सकता। और भैया से कोई क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। भैया ये एक्सरसाइज कहाँ पर करता है? ये एक्सरसाइज कहाँ पर करता है ये पूरा दिन? एक्सरसाइज यहीं पर ही करता है ये पूरा एक्सरसाइज? सुबह खाने के बाद हम लोग 1 घंटे का एक्सरसाइज हो जाता है उसका। अच्छा, फिर बाद में शाम को जब धूप कम हो जाता है तो 6 बजे को निकालते हैं। तो अभी तक इसने कौन कौन से कलर दिए आपको? इसने सब कलर प्रोड्यूस किया है। अच्छा, इसमें अभी तक तो हमने इससे निकाला है 40 के ऊपर बच्चे निकाला है। अच्छा, 40 के ऊपर बच्चे पैदा कर चुका है, बच्चा हुआ है इसका। तो मतलब ये आपका चैलेंज है कि इंडिया में सबसे बड़ा डॉग अभी अभी कैनल के पास है? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई गॉट अ वेरी गुड डॉग। अच्छा, और इसका साइज में अभी इंडिया में कोई भी नहीं है, दूसरा कुत्ता नहीं देखा। चलो दोस्तों, अगर आपने कोई देखा हो आप नीचे कमेंट जरूर करना। ये है अभी 120 किलो का ग्रेड हैन, आपको ये कैसा लगा वीडियो प्लीज शेयर कर देना, बड़ा ह्यूज डॉग है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।